जी देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। कलमेश्वर में दंपति पर दो राउंड फायरिंग। जानकारी के अनुसार स्थानीय लोहकरे लेआउट में नकाबपोश आरोपियों ने दंपति पर दो राउंड फायरिंग की। सोमवार सुबह 11:30 बजे हुई इस वारदात से सनसनी फैल गई। घायलों में गणेश सुधाकर मेश्राम व प्रियंका गणेश मेश्राम शामिल है। उन्हें मेयो अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि गणेश मेश्राम लोहकरे लेआउट में सुधाकर खांडे के घर में दूसरे माले पर किराए के कमरे में रह रहा था। गणेश की आपराधिक पृष्ठभूमि बताई जाती है। नागपुर शहर के थानों में उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज है। घटना के वक्त 7 से 8 लोग चेहरे पर काला कपड़ा बांधकर चार पहिया वाहन से पहुंचे थे और उन्होंने गणेश व प्रियंका पर फायरिंग कर फरार हो गए। घायल पर ट्रिपल मर्डर का मामला। फायरिंग में घायल गणेश ने नागपुर के दिघोरी परिसर में 3 लोगों को वहां से कुचल दिया था। मृतक भी आपराधिक प्रवृत्ति के थे। इस वारदात में गणेश के खिलाफ ट्रिपल मर्डर का मामला दर्ज होने की जानकारी पुलिस अधिकारी ने दी है। वर्चस्व की लड़ाई। गणेश और गोलू नामक युवक जुए के व्यवसाय में लिप्त बताए जाते हैं। गणेश ने 9 जुलाई को नागपुर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र में मिर्च पाउडर फेंककर गोलू पर जानलेवा हमला किया था। इसका बदला लेने के लिए गोलू ने यह फायरिंग की है अथवा दिघोरी में मृत 3 लोगों के समर्थकों द्वारा हमला किए जाने की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा मृतकों के समर्थक और गोलू ने साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम देने की संभावना भी पुलिस द्वारा व्यक्त की जा रही है। तो वही दूसरी ओर गिट्टी खदान थाना क्षेत्र में 2 बालकों ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये दोनों ही घटनाएं आश्चर्यचकित कर देने वाली इसीलिए भी है क्योंकि फांसी लगाने वाले बच्चों की उम्र महज 11 साल और 13 वर्ष बताई जाती है। इनमें से एक ने समोसे को लेकर भाई से नाराज होकर फांसी लगा ली जबकि दूसरे ने पबजी खेलने की लत के चलते फांसी लगा ली। पहली घटना गंगानगर परिसर में हुई। 11 वर्षीय लड़के का नाम वीरू नत्थु शाहू है तो वही दूसरा 13 वर्षीय लड़का योगेंद्र परिसर का रहने वाला राजवीर नरेंद्र ठाकुर है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हैक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसी यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज़ लाइव के साथ। नमस्कार।